तस्वीरां गुरदासपुर दियां ने जिथे एक डांसर वालों नशा छड़ाऊ केंद्र च भर्ती नौजवानां नूं नशा छड्डन लई प्रेरित करन तों इलावा योगा सिखा के इस भैड़ी नशे दी गिरफ्त दे विचों बाहर कढ़न लई जी तोड़ मेहनत कर रही है। दरअसल जिथे कोरोना महामारी ते लॉकडाउन ने पूरे देश नूं प्रभावित कीता होया है, उथे इस दा असर व्याह शादियां दे विच काम करके लोकां दा मन परचाउण वाले सभ्याचारक ग्रुपां ते वी पिया होया है। अजिहा ही वेखण नूं मिलिया गुरदासपुर दे विच जिथे एक डांसर वालों काम बंद होण तों बाद अपना पेट पालन लई गुरदासपुर दे नशा छड़ाऊ केंद्र दे विच भर्ती नौजवानां नूं नशा छड़ाउण लई प्रेरित करन तों इलावा योगा सिखाउण दा काम शुरू कीता। पूरा मामला भी सुन लवो। दरअसल डांसर भी किसे टाइम नशा करन दी आदी सी, परंतु कोरोना महामारी कारण लॉकडाउन लगन तों बाद व्याह शादियां दा काम बिलकुल ठप हो गया, जिस दौरान नशा करना नामुमकिन सी। ਤੇ ਆਖਿਰ ਇਸ ਡਾਂਸਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਖੁਦ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਵੀ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡੋਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ और मैं इस वक्त रेड क्रॉस दे विच योगा थेरेपिस्ट का काम कर रही हूँ। इना जेड़े इत्थे पेशेंट्स दाखिल ने उन्होंने सहयोग दे रही हूँ। डांस क्लास लग रही है क्योंकि डांस मेरा प्रोफेशन सीगा और मैं पहले डांस का ही काम करती सी। ते जिस तरह कि लास्ट ईयर लॉकडाउन लग गया उस टाइम मतलब कि सब दे रोज़गार वगैरह बंद हो गए, ते कोई होर रोज़गार का कोई साधन नहीं सी। ते जेड़े मतलब कि काफ़ी लोग जिस तरह नशे च सी जिन्हां दे नाल मैं भी आंदी हाँ, ते उस टाइम मतलब कि रोज़गार बंद होने कारण पैसे भी खत्म हो गए ते काम भी कोई होर नहीं मिल रहा सी। ते उस वक्त मतलब कि ये सिचुएशन आई ही कि इंसान या तो सुसाइड कर ले या तो उन्हें पैसे मिल जाए। पैसे वास्ते इंसान नशे वास्ते इंसान कुछ भी करता है, बहुत हदा टप जाता। बट मैं अपनी लाइफ में चुनिया, मैं जीना चाहती सी। तो मैं किसी ने दसिया से इस सेंटर के बारे च, डॉक्टर रमेश महाजन जी ने, मैं आके मिली इतने। मैं उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी दसी कि मैं इस तरह मतलब कि स्टेज डांसर हाँ, सभ्याचार कल्चर डांस करती हाँ। तो मैं इस तरह मैं एडिक्ट हो गई तो उन्होंने मेरी बहुत हैल्प की, इतने मैं एडमिट किया। मैं एक महीना इतने रही, उस तो बाद मैं ठीक हो के बिल्कुल इतों गई हाँ। तो हूँ मैं सारे यही मैसेज देना चाहनी हाँ कि नशा एक मौत का रस्ता है, इनू छड़ना चाहिए। तो अपने फ्यूचर नू, अपनी लाइफ नू सिक्योर करने वास्ते इस सेंटर विच आ के अपना ट्रीटमेंट करवाए, इंसान तो बिल्कुल ठीक हो सकता है। मैं 6 साल तो सभ्याचार का काम कर रही थी। तो साल एक मतलब कि मैं नशे च मतलब कि जो भी अपनी सेविंग वगैरह जो भी पैसा मैं जोड़िया 6 साल च, मैं 1 साल दे अंदर अंदर ही उड़ाता। तो एकदम बिल्कुल खाली हो चुकी सी मैं, मेरे को मनी का इशू हो गया। तो उस तो बाद काम बंद हो गया, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पिया। तो सभ्याचार तो बिल्कुल ही बंद हो गए क्योंकि इंसान जिहड़ा प्रोफेशन करता उन्हूं उही आंदा, कि इंसानां नूं होर कोई दूसरा काम नहीं आंदा। तो इस करके मतलब कि बहुत ही डिफिकल्ट टाइम सी वो। मैं तो उसनूं सोच के भी डर लगता है कि वो किस तरह का टाइम ही जिहड़ा मैं बिताया। हुण मैं बिल्कुल हैल्थी लाइफ जींदी हाँ इत्थे ट्रीटमेंट तो बाद, और मैं यही चाहनी हाँ कि सारे ही नशा छड्डन ते सारे ही ठीक हो के अपने फ्यूचर नूं अपनी फैमिली नूं वधिया टाइम देन, वधिया कारोबार करन। गुरदासपुर तो ब्यूरो रिपोर्ट NC7 न्यूज़।